Hello students, welcome to our YouTube channel. So in our previous lecture, we were discussing about the chapter genetics. The name of the chapter was Principle of Inheritance and Variation. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, और उस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम जो था वो डिस्कस किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे होते हैं, उनकी रेशियोज क्या होती हैं, ये सब डिस्कस किया था हमने. मैंने आपको बताया था जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1 इन केस ऑफ, सॉरी, 1:2:1 इन केस ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो थी इट वॉज 1:1:4:1:1. सिमिलरली फिनोटिपिक इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड वॉज 3:1 एंड इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड इट वॉज 9:3:3:1. तो ये थे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज. उसके अलावा हमने कुछ कंक्लूजन किए थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका कंक्लूजन क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन ये था बच्चों कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दी गई थी उसके बेसिस पे. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दी गई थी. लॉ ऑफ डोमिनेंस कहती है कि जब एक पेयर में हेटरोजाइगस पेयर हो, हेटरोजाइगस अलील्स हो, है ना, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, एक पेयर हो गया, ये हेटरोजाइगस है दोनों, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इन दोनों में से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, और जो खुद को एक्सप्रेस करता है दोनों में से उसको डोमिनेंट कहा जाता है. यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब एक पैर होता है तो गेमीट्स बनाने के लिए उस पैर को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, यानी कि सेग्रीगेट किया जाता है. एक पेयर जो है कैरेक्टर्स का, उसको क्या किया जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है. जैसे कि कैपिटल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टीज जो है दोनों को सेपरेट कर दिया, एक बड़ा कैपिटल टी एक और कैपिटल टी, ऐसे हो जाता है. ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? ठीक. अब इसके बाद सुनो, अब हम आगे कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस पे. डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसने दिया था कि लेट्स से दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, एक सीड का शेप और एक सीड का साइज. ठीक है, तो सीड के शेप का जो पेयर है वो सीड के साइज के पेयर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो दोनों पेयर सेग्रीगेट होंगे वो दोनों पेयर एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे. इज दैट क्लियर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? नाउ आफ्टर दिस मैंने आपको बोला था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इकलौती ऐसी लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इकलौती ऐसी लॉ थी जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था. अदरवाइज लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शन है. आज हम क्या कर लेते हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो, सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, देखो बच्चा, पहला एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का है वो है क्या, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं दो नाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक और हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, तो ये दोनों ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो आप लोग ध्यान सुनेंगे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एश्योर यू कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखना, जो बच्चा है वो ना ही अपनी मम्मी के साथ रिजेंबल कर रहा, ना ही अपने पापा के साथ रिजेंबल कर रहा, मतलब कि बच्चा दोनों ही ट्रेड्स शो नहीं कर रहा. हमें लगा था कि पापा की आंखें ब्लैक हैं, मम्मी की आंखें ब्लू हैं, लेट्स से बच्चे की आंखें या ब्लैक होंगी या ब्लू होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, बच्चे की आंखें ब्राउन थी. हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना, बच्चा मदर और फादर दोनों के साथ नहीं रिजेंबल कर रहा, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फॉर एग्जाम्पल, मदर का ब्लड ग्रुप ए था, फादर का ब्लड ग्रुप बी था, हमें लगा बच्चे का ब्लड ग्रुप या फिर ए होगा या फिर बी होगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं, बच्चे का ब्लड ग्रुप वॉज ओ. बच्चा, द चाइल्ड वॉज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट्स. तो यही डेफिनेशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि जो प्रोजनी है, प्रोजनी डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स, वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं कर रही है प्रोजनी.
Progeny do not resemble any of the parent structure in case of incomplete dominance. Clear? एग्जाम्पल जो इसकी आती है, जो आपको याद रखनी है, वो एक ही एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है. एग्जाम्पल इज एंटी राइनम मेजस. ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है. एंटी राइनम मेजस एक प्लांट का नाम है. एंटी राइनम मेजस एक साइंटिफिक नेम है और इसी का कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम मेजस इस प्लांट का नाम है. हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये कि एक प्लांट, एक फ्लावर जो था इनका, वो रेड कलर का था. एक प्लांट देखा गया स्नैपड्रैगन का, विच वॉज हैविंग रेड कलर फ्लावर्स, एंड दूसरा जो था इट वॉज हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर्स. ये था मेल और ये क्या था, जो रेड फ्लावर्स हैं हमने सोचा शायद वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो रिसेसिव. ऐसा हमने मान लिया. लेट्स से कि जो फादर थे ही वाज रेड, फादर प्लांट वाज रेड, एंड रेड वाज सपोज टू बी द डोमिनेंट कलर. ऐसा मान के चल रहे हैं हम, इसीलिए हमने रेड को कैपिटल आर लिख लिया और व्हाइट को स्मॉल आर लिख लिया. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए दोज वर होमोजाइगस. उसने प्योर लाइंस ली थी, मतलब उसने होमोजाइगस चीजें ली थी, हेटरोजाइगस चीजें बिल्कुल भी नहीं ली थी. ठीक है, अब क्या हुआ, अब बने इसके गेमीट्स. गेमीट्स बने, ये आर जो है ये टूट गया इंटू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. ये आर जो है इट वाज आल्सो सेग्रीगेटेड इंटू स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. ऑल राइट, नो इश्यूज, यहां तक समझ आया. F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 ऑब्वियसली यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, चाहे आप अनंत स्क्वायर बना के कर लो चाहे ऐसे कर लो. दिस वाज द कंडीशन व्हिच वाज सीन. क्या लगता है बच्चों, एक कैपिटल आर वहां से आया, एक स्मॉल आर वहां से आया. तो अगर रेड डोमिनेंट होता तो ये जो F1 प्रोजेनी यहाँ पे बन के आई है, चलो हम अनंत स्क्वायर बना के करते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. तो लेट मी ड्रॉ अ अनंत स्क्वायर फॉर यू पीपल. सो हाउ डू वी ड्रॉ अनंत स्क्वायर, एक साइड पे एक गेमीट लिखेंगे और दूसरी साइड पे दूसरे. तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, दिस इज द बॉक्स ऐसे. ठीक है, एक साइड पे मैंने ये दोनों गेमीट्स लिख लिए कैपिटल आर, दूसरी साइड पे ये दोनों स्मॉल आर. तो अब इनको फिल करेंगे बॉक्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर. तो बच्चों अब ये देखो आप लोग की सब जगह कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, तो या फिर तो कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा या फिर स्मॉल आर, या फिर बच्चा रेड होगा पापा की तरह या फिर मदर की तरह व्हाइट होगा. बट यहाँ पे एक चीज नोटिस की गई कि सारे के सारे जो बच्चे थे वो पिंक कलर के थे. ना ही रेड फ्लावर्स आए ना ही व्हाइट फ्लावर्स आए, फ्लावर्स तो पिंक आ गए. मतलब ये जो प्रोजेनी था इट डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स, नीदर इट रिजेंबल विद द मेल पेरेंट नॉर इट रिजेंबल विद द फीमेल पेरेंट. तो यही डेफिनेशन थी कि जब प्रोजेनी दोनों ही पेरेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं करती उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आर वी क्लियर विद दीज पॉइंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा. देयर ऑल प्रोजेनीज आर पिंक, पापा रेड मदर व्हाइट, और बच्चा जो है वो पिंक, ना पापा से रिजेंबल कर रहा है ना मदर से रिजेंबल कर रहा है. Which means that this is the case of incomplete dominance and this is shown in antirrhinum majus, जिसको स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो आगे. अच्छा जी, F1 सारे के सारे क्या आए, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही हुआ. अब ये जो F1 है, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसको क्रॉस कराया, तो F1 इज क्रॉस्ड, है ना. अब इसके गेमीट्स देख, इसके गेमीट्स देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके देखो कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, F2 बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर.
कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये है प्रोजेनीज। ये प्रोजेनीज बन के सामने आई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर वाला बोल रहा है कि मैं ना ऐसा हूँ, रेशो 2 आर ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो 1 इज कैप स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। तो क्या रेशियो बनी, जीनोटिपिक रेशियो क्या बनी, 1 कैपिटल आर स्मॉल आर इज 2 एंड स्मॉल आर इज 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जीनोटिपिक रेशियो, ये जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1। फिर हमारे पास है फीनोटिपिक रेशियो। फीनोटिपिक रेशियो में आप लोग देखो, ये रेड है, ये भी क्या है रेड, और ये क्या है, सॉरी, ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, हमेशा तो ये भी रेड होते थे, बट ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये है पिंक, और स्मॉल आर क्या है, व्हाइट। देखा आप लोगों ने, तो रेड 1 पिंक 2 एंड व्हाइट 1। बच्चे इस चीज को ध्यान से देखो, जीनोटिपिक रेशियो क्या आई है, 1:2:1, एंड फीनोटिपिक रेशियो क्या आई है, अगेन 1:2:1। प्लीज रिमेम्बर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक और फीनोटिपिक रेशियो जो है, वो दोनों ही रेशियोज जो हैं वो क्या आती हैं, वो 1 आती हैं, ओ सॉरी सेम आती हैं। एंड व्हाट इज इट, इट इज 1:2:1। इज दैट क्लियर, दोनों ही रेशियोज देखो आप, 1:2:1 आई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर जीनोटिपिक और फीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम। देख, लुक एट द कंप्लीट क्रॉस नाउ, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट थिंग वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने लिया एंटीडाइनमेजस का एग्जाम्पल, एक रेड लिया एक व्हाइट लिया, सारे के सारे F1 प्रोजेनीज जो थे वो क्या बने, वो पिंक बन गए। प्रोजेनी डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स, विच मीन्स दैट दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो पिंक फ्लावर्स है उनको हमने क्रॉस करवाया, सेग्रीगेशन की, जीनोटिपिक और फीनोटिपिक रेशियोज देखी, दोनों ही रेशियोज जो थी दोज वो 1:2:1। दैट मीन्स ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें दोनों रेशियोज 1:2:1 आती हैं। 3:1 तो नहीं ना आई फीनोटिपिक, ऑब्वियसली दूसरों से अलग है ये, इसलिए तो इसका नाम एक्सेप्शन है। समझ आ गया आपको, आगे चलते हैं आप नेक्स्ट क्रॉस में चलते हैं। उसका नाम है, नेक्स्ट क्रॉस जो है बच्चा, उसका नाम है हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। व्हाट इज दिस कोडोमिनेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में प्रोजेनी वाजंट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स। प्रोजेनी वाज सेइंग, ना ही मैं मदर की तरह दिखने वाला हूँ, एंड नॉर एम आई गोन टू रिजेंबल विद माई फादर। प्रोजेनी वॉज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट, कोडोमिनेंस में किससे रिजेंबल करे, दोनों के साथ। दिस इज अ केस व्हेन प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। कोडोमिनेंस इज अ केस इन विच प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। प्रोजेनी कह रही है मैं तो दोनों पेरेंट्स की तरह दिखूंगी, प्रोजेनी ओवर हेयर इज गोइंग टू रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, वो दोनों की तरह दिख रही है, ठीक है। Example for codominance is, ABO blood grouping. ABO blood grouping जो है वो codominance का example है। देखो बच्चों होता क्या, मल्टीपल एलिज्म में भी एक एक्सेप्शन, मल्टीपल एलिज्म भी है इसका, वो भी हम देखेंगे। पहले आप ना codominance देखो, ABO blood grouping देखो। बच्चों ब्लड ग्रुप्स का क्या हिसाब है मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप देखो, आप ये याद रखना कि ए और बी जो है दे आर कोडोमिनेंट, मतलब इनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, ये दोनों इक्वल पोजिशन होल्ड करते हैं। और ओ बेचारा जो है, ओ इज अ रिसेसिव ब्लड ग्रुप, ओ रिसेसिव है। ए और बी जो है वो आपस में क्या है, वो आपस में कोडोमिनेंट है। ए एंड बी आर कोडोमिनेंट, ओ इज रिसेसिव। अच्छा, उसके बाद बच्चों
ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ब्लड ग्रुप का जो जीन है इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, डोमिनेंट में आई और रिसेसिव में स्मॉल आई, ठीक। ए के लिए हम बोलेंगे इट्स आई ए, या फिर जब बी के लिए हम बोलेंगे इट्स आई बी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा चलो ये देखो, पहले एक का ब्लड ग्रुप ए था, एक का ब्लड ग्रुप बी था। ए मतलब अगर हम प्योर लाइंस ले रहे हैं जो कि हमने जनरली ली अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो आई आई होंगी और जो बी है वो आई बी होगा, है ना। अब क्या हुआ बच्चों, आई ए एक है और दूसरा क्या है, इट्स आई बी, ये बीच बनाओ, आई ए एक गेमीट हो गया और दूसरा गेमीट आई ए हो गया, ठीक है, ओके। नाउ इसके गेमीट्स बनाएंगे, एक आई बी हो गया और दूसरा भी आई बी हो गया, क्रॉस बनाओ इसका, F1 बनाओ बेटा। तो F1 क्या बनेगा, यहां से आई ए ले लो, यहां से आई बी ले लो, इट्स आई ए आई बी। तो बताओ दोनों में से कौन एक्सप्रेस करे, क्या ए एक्सप्रेस करेगा या बी एक्सप्रेस करेगा? तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, इन दोनों में से ए भी एक्सप्रेस करेगा, बी भी एक्सप्रेस करेगा। तो F1 का जो ब्लड ग्रुप, अब की बार ए आया या बी, जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आया दैट वॉज नोन एज ए बी ब्लड ग्रुप। तो बच्चा मदर जो थी लेट्स से उसका ए ब्लड था, फादर का ब्लड ग्रुप बी था, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आ गया। सिर्फ ए या सिर्फ बी इस केस में नहीं आया, इस केस में बच्चे का जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी आया, यानी कि जो प्रोजनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, इट इज रिजेंबलिंग बोथ द पेरेंट्स इन दिस केस। प्रोजनी इज रिजेंबलिंग बोथ द पेरेंट्स, ए को भी रिजेंबल किया, बी को भी रिजेंबल किया, ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आ गया। एग्जाम्पल ए बी और ब्लड ग्रुपिंग आया समझ। इसके अलावा एग्जाम्पल में आप लोग लर्न कर लो सिंपली सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस शो करता। सिकल सेल एनीमिया की डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। चलो अब आगे कोडोमिनेंस समझ आ गया, दो एक्सेप्शंस पढ़ ली हमने, प्रीवियस वॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले हमने पढ़ी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और अब हमने पढ़ ली क्या, अब हमने पढ़ ली कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस में समझ आया। अब एक और एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म, ध्यान से समझना। अलील्स मैंने आपको बताया था, अलील्स आर व्हाट, अलील्स आर टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन। लेट्स से आई कलर का एक जीन है, उसकी दो फॉर्म्स है, कौन सी दो फॉर्म्स हैं आई कलर के जीन की, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। ब्लू और एक ब्लैक दो अलील्स हो गए आई कलर के। हम हमेशा यही बात करते आ रहे हैं कि एक पर्सन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में रहते हैं, हम लिख रहे हैं कैपिटल ए पेयर में लिख रहे हैं ना, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा ही लिख रहे हैं, या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यही सब तो लिख रहे हैं हम, राइट, यही सब लिख रहे हैं हम लोग। तो बच्चा मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में ये कहना चाहता है कि एक कैरेक्टर के एक से ज्यादा अलील भी हो सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कहती थी कि जो अलील्स हैं दे अकर इन पेयर्स, बट ये कह रही है वन कैरेक्टर कैन हैव मोर देन टू अलील्स, दो से ज्यादा भी अलील्स हो सकते हैं एक कैरेक्टर के, बट डिफरेंस क्या है, एक पर्सन में तो दो ही हो सकते हैं ना, एक पर्सन में तो एक तरह के दो ही क्रोमोसोम है, ध्यान समझना इस चीज को। अच्छा एक पर्सन है, ठीक है, उसमें एक तरह के कितने क्रोमोसोम है, पेयर है मतलब दो क्रोमोसोम्स हैं,
दो क्रोमोसोम्स है अगर एक टाइप के, तो दो ही एलील्स मैक्सिमम हो सकते हैं। हो सकता ब्लू ब्लैक हो आंखों का कलर, हो सकता ब्लैक ब्लैक हो सकता ब्लू ब्लू हो सकता ब्लू ब्राउन हो। मैक्सिमम कितने? दो, जगह ही दो की है। पर इस पूरी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक के अंदर ब्लैक है, दूसरे के अंदर ब्राउन है, तीसरे के अंदर ग्रीन है, चौथे के अंदर गोल्डन है। एक पर्सन में मैक्सिमम दो, बट पूरी पॉपुलेशन में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मल्टीपल एलिलिज्म में कहा दैट वन कैरेक्टर कैन हैव मोर देन टू एलील्स। अ पर्सन कैन हैव, सिंगल पर्सन की बात कर रही हूँ, अ पर्सन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू अलील्स। एक बंदे में तो दो अलील्स ही हो सकते हैं। पर्सन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू अलील्स, बट इंटायर पॉपुलेशन जो है इट कैन हैव मोर दैन टू अलील्स। मतलब दुनिया में तो दो से ज्यादा अलील्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल फिर वही आ गई, क्या एग्जाम्पल है? ब्लड ग्रुपिंग। एग्जाम्पल इज ब्लड ग्रुपिंग। देखो ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स हैं? थ्री एलील्स। दिख तो गया आपको, पहला एग्जाम्पल आपको दिख गया, एक ग्रुप है जिसके तीन एलील्स हैं। अच्छा जी, तीन एलील्स हैं अगर, कौन से थ्री एलील्स हैं? आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है, या फिर स्मॉल आई हो सकता है, ठीक। अब ब्लड ग्रुप की ये क्या कहानी है? अलग अलग अलील्स कैसे हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप होता कैसे है ये समझो पहले। बच्चा होता क्या है कि ग्रुप्स आर नथिंग बट एंटीजन्स ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल है, एंटीजन है इसके ऊपर, एंटीजन एंटीबॉडी आपको पता है सेल्स के ऊपर होते हैं। आरबीसी जो है उसके पास एक एंटीजन है। उस एंटीजन पे अलग अलग शुगर्स लगी हुई है, ये दूसरा आरबीसी है, इसके ऊपर भी एक एंटीजन है, ये तीसरा आरबीसी है, इसके ऊपर भी एक एंटीजन है, इस पे एक शुगर लगी है, दिस शुगर इज ए शुगर। इस एंटीजन पे कोई और शुगर लगी है, दिस इज बी शुगर। ये एंटीजन जो है इस पे कोई शुगर ही नहीं लगी, दिस इज व्हाट ए शुगर, ए कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज व्हाट बी शुगर एंड दिस इज व्हाट नो शुगर। अगर तो ए शुगर लगी है बच्चों तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर बी शुगर लगी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर कोई शुगर ही नहीं लगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ऐसे बनता है ब्लड ग्रुप। ये है किसी का ब्लड ग्रुप जानने का तरीका। आरबीसी सेम, आरबीसी के ऊपर एंटीजन सेम, एंटीजन जो है उसके ऊपर शुगर जो है वो डिफरेंट होती है। ए शुगर होगी तो ए ब्लड ग्रुप, बी शुगर होगी तो बी ब्लड ग्रुप, कोई शुगर ही नहीं होगी तो ओ ब्लड ग्रुप। और हमने अभी पढ़ा था कि ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कोडोमिनेंट होते हैं, मतलब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, जबकि ये जो है ये रिसेसिव होता। अच्छा अब कितने अलील्स हैं इसके? थ्री अलील्स हैं, थ्री अलील्स है ना, तो क्या जीनोटाइप होगा? जीनोटाइप जो है यहाँ पे कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला एन बाई टू एन प्लस वन इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ मल्टीपल एलील्स। एलील्स इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ एलील्स ही एन, तो यहाँ पे एलील्स कितने हैं? थ्री, तो थ्री बाय टू, मैंने यहाँ पे एन की जगह थ्री रख दिया, थ्री बाय टू, थ्री प्लस वन, थ्री बाय टू, थ्री प्लस वन कितना होता है? फोर, टू टू जा फोर, थ्री टू जा कितना आ गया? सिक्स। यानी कि सिक्स तरह के जीनोटाइप बनेंगे। कौन से सिक्स हैं वो देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट वन इज कैपिटल ए कैपिटल ए, सेकेंड वन इज कैपिटल ए स्मॉल आई, ये तो ए ब्लड ग्रुप हुआ। थर्ड इज कैपिटल बी, फोर्थ वन इज कैपिटल बी स्मॉल आई, फिफ्थ वन इज कैपिटल ए विद कैपिटल बी एंड सिक्स्थ वन इज स्मॉल आई विद स्मॉल आई।
अपार्ट फ्रॉम दीज सिक्स अलील्स नथिंग एल्स इज पॉसिबल, इनके अलावा नहीं पॉसिबल है कोई भी क्या बोलेंगे इसको, कोई भी पेयरिंग, कोई भी कॉम्बिनेशन. दिस इज ब्लड ग्रुप ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ओ. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल. एंड हाउ मेनी फिनोटाइप्स? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल. फॉर्मूला याद रखना, मल्टीपल एलिलिज्म्स के केस में द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स विल बी इक्वल टू एन बाई टू एन प्लस वन. समझ में आया आप लोगों को कैसे बनता है? ज्यादा डेप्थ में अब जाने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज को आप लोग याद रखेंगे कि सारे ब्लड ग्रुप में से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, कौन है जो सबको खून दे सकता है, डोनेट कर सकता है? इट्स ओ. ओ कह रहा है हमारे ऊपर कौन सी कोई शुगर है, हमारा कोई भी ले लो ब्लड. प्रॉब्लम तो तब होती ना अगर कोई अनजान शुगर किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रही होती. वो कह रहा है हमारे ऊपर कोई शुगर नहीं है, आपके अंदर हम आ भी जाएंगे तो किसी को पता चलना ही नहीं है. तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सारे खून एक्सेप्ट करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी. ए बी कह रहा है देखो ए बी है मेरे पास, बी भी है मेरे पास, तो ए आ जाओ चाहे बी आ जाओ मैं दोनों को ले लूंगा, और ओ आपके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, आप आओगे तो भी मैं ले लूंगा. तो इस बात को याद रखना दैट यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी, वेर एज यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड खून दे सकता है जरूरत आने पे, दैट इज ओ. इज दैट क्लियर? इसके अलावा ना एक और एंटीजन होता है आरबीसी के, मैंने हमने एंटीजन बनाया है ना, एक और एंटीजन होता है, नाम है एच एंटीजन. एच अगर एच प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, बोलते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. अगर एच एंटीजन एबसेंट होगा तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप. ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ब्लड ग्रुप समझ आया? क्या आपको मल्टीपल एलिलिज्म समझ आया? क्या आपको कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आया? तो ये थे तीन एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस के. एक एक्सेप्शन बच गया है, उसका नाम है प्लियोट्रॉपी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया प्लीज रिवाइज इट फ्रॉम योर बुक्स, प्लीज मेक द नोट्स, कीप सॉल्विंग योर डीपीपीज ऑन रेगुलर बेसिस. थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.